सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड इस्तेमाल करने को लेकर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बना सकती। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने कहा कि सरकार को बैंक खाते खोलने जैसी अन्य योजनाओं में आधार का इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता। सत्ता के गलियारों में अगले राष्ट्रपति को लेकर सरगर्मी तेज है। बीजेपी की ओर से सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी को इस ओहदे का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन शिवसेना ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपति बनाने की मांग की है। पार्टी के सांसद संजय राउत का कहना था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भागवत बतौर अगले राष्ट्रपति सही पसंद होंगे। एक पाकिस्तानी की 2015 में दुबई में हत्या करने के मामले में दोषी 10 भारतीयों की सजा माफ हो सकती है। दरअसल इन्हें मारे गए लड़के के पिता ने माफ कर दिया है। इसके बदले विक्टिम की फैमिली को एक इंडियन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से करीब 35 लाख रुपए की ब्लड मनी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में गुस्साई भीड़ को काबू करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा उपयोग में लाई जा रही पैलेट गन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह भीड़ को काबू करने के लिए पैलेट गन के बजाय किसी अन्य प्रभावी माध्यम पर गौर करे, क्योंकि यहां बात जिंदगी और मौत से जुड़ी है। हालांकि केंद्र सरकार ने पैलेट गन के उपयोग का बचाव करते हुए कहा कि देश की संप्रभुता और अखंडता दांव पर है। यूपी में शासन व्यवस्था पूरी तरह से बदली बदली नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए अभी सिर्फ 9 दिन हुए हैं, पर बड़े फैसले 50 से ज्यादा हो चुके हैं। इसमें एक और चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक एक भी कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई है, पर काम लगातार जारी है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा कि उत्तर प्रदेश में केवल अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और पिछले वित्तीय वर्ष में बफेलो मीट के निर्यात में कमी कई वैश्विक कारणों से रही। AIMI के असुद्दीन ओवैसी के एक सवाल के जवाब में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूपी में सरकार केवल अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई कर रही है। दिल्ली की बवाना विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक वेद प्रकाश सतीश आज सुबह बीजेपी में शामिल हो गए। वेद प्रकाश ने दिल्ली विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। वेद प्रकाश 2015 में आपकी लहर में करीब 51,000 वोटों से विधायकी का चुनाव जीते थे। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच का तीसरा दिन पूरी तरह मेजबान टीम के नाम रहा। इस दौरान भारत ने पहली इनिंग में 332 रन बनाकर 32 रन की लीड ली। इसके बाद मेहमान टीम को 137 रन पर ऑल आउट कर दिया गया। मेजबान को जीत के लिए दूसरी इनिंग में 106 रन का टारगेट मिला है, जिसका पीछा करते हुए टीम इंडिया ने स्टंप्स पर बिना विकेट खोए 19 रन भी बना लिए हैं। बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन के थियोरेटिकल राइट धर्मा प्रोडक्शन को मिले हैं और इससे करण जौहर बेहद खुश है। रविवार को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में बाहुबली 2 का प्री रिलीज इवेंट रखा गया था। इस मौके पर करण भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाहुबली ने मुगल आजम के जादू को भी पीछे छोड़ दिया है। टायर बनाने वाली कंपनी MRF का स्टॉक देश का पहला 60,000 शेयर बन गया है। सोमवार को कारोबार के दौरान ये 60,000 रुपए का लेवल पार कर गया। कंपनी का शेयर 59,250 रुपए पर खुला था और कारोबार के दौरान ऑल टाइम हाई 60,140 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि कारोबार के अंत में स्टॉक 716 अंक यानी 1.21% चढ़कर 59,990 रुपए पर बंद हुआ।